जोशी मठ की ये महाप्रलयकारी तबाही भगवान श्री बद्री नारायण के धाम तक पहुंच चुकी है। जोशी मठ की तरह ही यहां भी दरारें दिखाई देने लगी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में हो रही ये हलचल जोशी मठ के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गई थी। इसके बाद भगवान श्री बद्री के भक्तों में खौफ का माहौल है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से आई ये खबर भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या बद्रीनाथ को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या सही में भगवान बद्रीनाथ पृथ्वी लोक छोड़ देंगे? और क्या भविष्य में चार नहीं सिर्फ तीन ही धाम बच जाएंगे? क्योंकि जोशी मठ के बाद बद्रीनाथ धाम के भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार भी हरकत में आ गई है। चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और बद्रीनाथ मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, क्या है भविष्यवाणी का पूरा सच, और भविष्य में कहां होंगे भगवान बद्री नारायण के दर्शन, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ओम नमो नारायण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रभु की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। हाल ही में जोशी मठ भूस्खलन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से लोगों की चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं होने की भविष्यवाणी युगों पहले ही की जा चुकी है। इन धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि भविष्य में इस स्थान पर भूकंप, सूखा, प्रलय इत्यादि आएंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि जोशी मठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। धार्मिक पुस्तकों में ये बताया गया है कि भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मुख्य तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्रीनाथ के नाम से एक नए तीर्थ का जन्म होगा। इसी भविष्यवाणी को देखते हुए कि क्या पता आगे कभी बद्री नारायण के दर्शन हो न हो, वर्तमान समय में भविष्य बद्री के दर्शन के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जोशी मठ को ही मुख्य द्वार कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोशी मठ से बद्रीनाथ धाम केवल 45 किलोमीटर और केदारनाथ धाम महज 50 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशी मठ की तबाही से वो भविष्यवाणी आधी सच हो चुकी है। लेकिन अगर ये धाम तबाह हो जाते हैं तो कैसा होगा भविष्य बद्री? जोशी मठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर पूर्व में और तपोवन से दूसरी तरफ स्थित है भविष्य बद्री। धौली गंगा नदी पर 3 किलोमीटर की यात्रा से वहां तक पहुंचा जा सकता है। मोटर सड़क से इसकी ऊंचाई 2744 मीटर है और ये घने जंगलों के बीच स्थित है। यहां पहुंचने के लिए धौली नदी के किनारे का रास्ता काफी कठिन है, इसलिए यहां सिर्फ ट्रैकिंग के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। धौली गंगा का अर्थ होता है सफेद पानी और ये नदी तपोवन के दोनों तरफ से पहाड़ों के बीच से बहती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत में जोशी मठ के नरसिंह देवता की मूर्ति का कभी न नष्ट होने वाला हाथ अंततः गिर जाएगा तथा विष्णु प्रयाग के पास पतमिला में नर और नारायण नामक दो पहाड़ एक हो जाएंगे। इससे बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और भगवान बद्री नारायण पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि भविष्य में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि कलयुग को समाप्त करेंगे तथा पुनः सतयुग की शुरुआत होगी और भविष्य में इसी स्थान पर बद्री नारायण के दर्शन होंगे। तो आखिर क्या है जोशी मठ के उस नरसिंह मंदिर की कहानी और आने वाले प्रलय की भविष्यवाणी में
उसकी क्या भूमिका होगी, आइए जानते हैं। जोशी मठ में भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी शेर के रूप में हैं। माना जाता है कि हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए श्री हरि ने ये अवतार धारण किया था। जोशी मठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित हैं। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को नरसिम्हा बद्री या नरसिंहा बद्री के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की ये बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन ना सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। तो आखिर किसने की थी ये भविष्यवाणी और क्या जोशी मठ का ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है, आइए जानते हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ ही एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशी मठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियां बन रही हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरी तरह से लोप हो जाएगा, तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल्कि दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये रोचक भविष्यवाणी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।